ये मोबाइल कंपनियों के नाम भी बड़े अजीब होते हैं, पोको फोन, ओपो फोन, नाम में ही इतना कंफ्यूजन है कि क्या बताएं। लेकिन एक चीज बिल्कुल कंफर्म है, पोको फोन जैसी कंपनी जब तक इंडिया में है तब तक हमें सस्ते प्राइस में अच्छी खासी परफॉर्मेंस वाला फोन मिल जाएगा, क्योंकि 2018 में इन्होंने बड़े तगड़े प्राइस में अपना एक फोन निकाला था, पोको फोन F1, जहां पर आपको स्नैपड्रैगन का 845 बहुत ही सही प्राइस में मिल गया है। और आज की डेट में ये फोन और भी सस्ता होता चला आ रहा है। यदि आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए तो पोको फोन का F1 बड़ा तगड़ा है। लेकिन 2019 में कुछ नया होना चाहिए, और नया ऐसा होना चाहिए जो कमियां थी पोको के F1 में वो सारी कमियां दूर हो जाएगी। और इस बार जो फोन आने वाला है वो है पोको का F2, और F2 में आपको क्या कुछ मिल सकता है ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और अब आने वाला है OnePlus का 7, और ये फोन कहीं ना कहीं टक्कर देगा OnePlus के 7 को। लेकिन OnePlus के 7 की जो बिल्ड क्वालिटी होगी ना वो काफी तगड़ी होगी, और Xiaomi वाले खेलेंगे अपने प्रोसेसर में। चलिए मैं आपको बता देता हूं आपको इस फोन में क्या कुछ मिल सकता है। सबसे पहले इस फोन का सबसे हाई लाइटिंग फीचर की बात कर लेते हैं, वो है परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर। आपको पोको के F1 में 845 मिल जाता है। आगे आने वाला है OnePlus का 7, जहां पर आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का 855, और यही प्रोसेसर आपको यहां पर भी मिलेगा। मतलब स्नैपड्रैगन का 855, ये 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर है। यहां से आप कमाल की मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, और ये जो प्रोसेसर है ये 5G भी सपोर्ट करता है। लेकिन मेरे हिसाब से यहां पर आपको 5G नहीं मिलेगा, 4G ही मिलेगा। लेकिन यदि आपको हैवी वाले गेम खेलने हैं, आपको दिन भर अपने फोन से चिपके रहना है, तब तो आपके लिए पोको फोन का F2 बड़ा तगड़ा होने वाला है। यहां पर आपको परफॉर्मेंस के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैमरा, और कैमरे में भी यहां पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यहां पर आपको वही कैमरा मिल सकता है जो आपको रेडमी के नोट 7 प्रो में मिलता है, मतलब 48+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। और जो 48 मेगापिक्सल वाला होगा ना, यहां पर आपको सोनी का ही सेंसर मिलेगा, मतलब सोनी का IMF586। लेकिन यहां पर जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है उसमें इंप्रूवमेंट है। यहां पर आपको मिल सकता है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा, और कैमरे में आपको EIS भी मिल जाएगा, और साथ में यहां पर आपको कमाल के पोर्ट्रेट मोड वाले फोटो ले सकते हैं, AI भर भर के मिल जाएगा। और ये फोन जब इंडिया में लॉन्च होगा तब पता चलेगा कि यार इस फोन का कैमरा क्या नाम का है और क्या काम का है। पोको के F1 में सबसे बड़ी जो कमी थी वो थी बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि वहां पर आपको प्लास्टिक का बिल्ड मिल जाता था। लेकिन इस बार जो पोको का F2 आने वाला है, यहां पर आपको ग्लास का बिल्ड मिलेगा, आगे की तरफ भी आपको गुल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलेगी, साथ में आपको पीछे की तरफ भी गुल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलेगी, यू शेप वाली नॉच मिल जाएगी, क्योंकि पोको के F1 में आपको बड़ी सी नॉच मिली थी और वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं थी। लेकिन इस बार नॉच भी छोटी कर दी गई है, और वहीं आपको मिल जाएगा भाई छोटा वाला कैमरा फ्रंट फेसिंग वाला, पीछे की तरफ भी आपको फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, साथ में यहां पर आपको 4000mAh की बैटरी मिल जाएगी, टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, और उसके साथ साथ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। मतलब यहां पर आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलने वाली है, कैमरा अच्छा मिलने वाला है, प्रोसेसर अच्छा मिलने वाला है, बड़ी बैटरी मिलने वाली है। लेकिन सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, यहां पर आपको पाई मिलेगा, और ये जो बेस होगा ना ये पोको का जो खुद का लॉन्चर है उस पे बेस्ड होगा। इसके साथ साथ यहां पर आपको ड्यूल सिम जो वोल्टी का सपोर्ट है वो भी मिल जाएगा, लेकिन यहां पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा। मतलब या तो आप 2 सिम कार्ड डाल सकते हैं, नहीं तो 1 मेमोरी कार्ड, या तो 1 4G वाला सिम कार्ड डाल लेंगे। अब बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस क्या होने वाला है, और ये फोन कब इंडिया में आएगा। इस फोन का जो प्राइस हो सकता है वो हो सकता है 23,000 से लेकर 25,000 रुपए के आसपास, और ये फोन अगले 2 से 3 महीने के अंदर इंडिया में लॉन्च होगा, क्योंकि इन्हें टक्कर देना है OnePlus के 7 को, और टक्कर ये दे सकते हैं प्रोसेसर से। और इस फोन का जो प्राइस होगा वो काफी कम होगा OnePlus के 7 से, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारी चीजों में कटौती मिलेगी। वैसे अब आप मुझे बताइए, OnePlus का जो 7 है क्या ये फोन उस फोन को टक्कर दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, और आपके हिसाब से इस फोन का क्या प्राइस होना चाहिए। और अभी भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, वो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इस चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब, और जस्ट बगल में आपको एक बेल बटन मिलेगी, इसे प्रेस कर देंगे तो आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।